हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का ब्लॉग है हमारा मिर्जमाला के ऊपर हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कीजिए, ब्लॉग पर बने रहिए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इधर मिर्जमाला पर। ये है मिर्जमाला मजार शरीफ, ये देखिए दोस्तों। ये मनकासर पर ही है, पूरा असम मेघालय बॉर्डर पर। ये साउथ वेस्ट कारगिल्स पर पड़ता है। ये हिस्टोरिक प्लेस है। वो देखिए दोस्तों, ये है ब्रिज, मनकासर का ब्रिज। ये देखो
मोला का टॉम ग्राफ ऑफ मिर्जुमला 1591 to 1663 30 मास ये मिर्जुमला का ग्रेवयार्ड है और ये दो ग्रेवयार्ड दो पीर बाबा के जो रिलीजियस प्रेसर है उसका उन लोगों तो ये दो रिलीजियस प्रेसर पीर बाबा फकीर फ्रेंड्स आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि मिर्जुमला उनका जन्म ईरान में हुआ था उसको और वो मुगल एम्पायर का बहुत ही ग्रेट जनरल था बाद में उसको 1659 में बंगाल का गवर्नर बनाया था उन समय बंगाल जो आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है वो से बंगाल वो पहले का बंगाल था बाद में उन्होंने असम आक्रमण किया असम आक्रमण के दौरान वो मुगल सेना और वो आम सेना के बीच वो युद्ध वार हुआ था युद्ध हुआ था और जो जो मुगल सेना के लिए वो उन लोगों को क्लाइमेट सूट नहीं करता था वहाँ पर क्लाइमेट सूट नहीं करता था इसलिए बहुत सारा मतलब वो लगभग टू थर्ड आर्मी वहाँ पर मर गए थे उन लोगों का बाद में वो असम को पूरी तरह कब्जे में किए बिना मतलब वो पूरी तरह मुगल एम्पायर के अधीन किए बिना उन्हें वापस बंगाल लौटने को मजबूर किया तो बंगाल लौटते वक्त उसने यहाँ पर इस जगह पर मिर्जुमला जो मनकासर में है यहाँ पर मतलब उनको की भी था वो मलेरिया हुआ था वो मलेरिया होकर उनका यहाँ पर मृत हुआ था मतलब उसका डेथ हुआ था और डेथ और 30 मार्च 1963 में उसका यहाँ पर डेथ हुआ था बाद में उनका मृत शरीर यहाँ पर दफनाया गया था उसका टॉम्ब यहाँ पर है उसके साथ दो और टॉम्ब भी है वो दो रिलीजियस प्रेसर का है यहाँ पर ईद के समय में सामूहिक नमाज अदा करते हैं मतलब यहाँ पर वो कम्युनिटी प्रेयर होता है वो ईद के समय साल में दो बार ईद होता है उस ईद के दौरान यहाँ पर
सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता यार, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं और एक नई ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद।